तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एंड आज के व्लॉग में हम जाने वाले हैं, मुझे एक रोल का पता चला, 18 इंच का रोल, फर्स्ट टाइम इन सिलीगुड़ी। तो मैं वो कवर करने वाला हूँ और मैंने सुना है बहुत ही टेस्टी होता है वो रोल। तो अभी चलेंगे और अभी वो रोल का एक मतलब फूड ब्लॉग बनाएंगे। ऑब्वियसली खाने का मौका मिलता है यार इस बहाने, तो क्यों नहीं। तो चलो मिलते हैं डायरेक्ट लोकेशन पे। बाय, सी या। तो ये जो लोकेशन है, ये जहाँ पे ये रोल मिल रहा है एग्जैक्टली, मैं बता देता हूँ। ये भूतेर राजा दिलोबोर करके एक रेस्टोरेंट खुला है हमारे इधर ऑटो स्टैंड के पास में, तो उसके जस्ट बिसाइड में या बगल में बोल सकते हो, ये रेस्टोरेंट बावर्ची सिचुएटेड है, जहाँ पे तुम लोगों को ये 18 इंच का रोल मिलने वाला है। तो तुम लोग जा सकते हो, ट्राई कर सकते हो। तो आगे चलो, वीडियो में मिलते हैं। और ये इन्होंने कर दिया है बनाना स्टार्ट हमारा रोल। एंड अब से टेम्पटिंग लग रहा है, बट यार इतना तेल यार। तो हाँ यार, एक बात तो है कि इन लोगों ने स्टफिंग बहुत ज़्यादा की है, मतलब बहुत अच्छे से की है। मैं बता देता हूँ क्या क्या इंक्लूडेड है इसमें। बारबेक्यू चिकन है, नॉर्मल चिकन है, पनीर है, एग नॉर्मल स्क्रैम्बल्ड एग है, और अपना बॉयल्ड एग का भी इन्होंने मतलब पीसेस करके डाला हुआ है, और अपना इन्होंने कुछ स्पेशल शायद मसाले यूज़ करे, जिस मतलब वही है। तो इन्होंने स्टफिंग के मामले में कोई कंजूसी नहीं करी है, जो कि बहुत अच्छा लगा यार देख के। इस प्राइस में ये लोग इतना ज़्यादा ऑफर कर रहे यार, अब तो मेरे मुँह में पानी आ रहा है। चलो चलो जल्दी जल्दी खा के बताता हूँ कि कैसा है एग्जैक्टली। ये देखो, ये है बावर्ची का स्पेशल 18 इंच का रोल, इतना बड़ा है देखिए। सही में ये फिनिश करने में तो मैं अकेला शायद ही कर पाऊँ, तो देखते हैं। वैसे मेरे दोस्त थे जो कि शायद ये हेल्प करेंगे मुझे फिनिश करने में, तो चलो खा के देखते हैं क्या सीन बनता है। ये देखो, इन्होंने तो आधा ख़त्म कर दिया ऑलरेडी, मुझे बस खा के देखना है कि कैसा, मतलब नॉर्मल रोल जैसे ही है या कैसा लगा तुम लोगों को। तो मैं खा के बताता हूँ। चिकन रोल, नॉर्मल एग रोल, सबका कॉम्बो चाहिए, वेज रोल जिसमें तीनों का कॉम्बो खाइए, वेज पनीर चिकन एग, इसमें बॉइल्ड एग भी है, इसमें इन्होंने कुछ शायद ग्रेवी यूज किया, वो मुझे फील हो रहा है, वो चिकन का ग्रेवी और उसमें थोड़ा सा शार्क टेस्ट भी आ रहा है, कुछ कुछ किया डाला है। इसमें इन्होंने ये किया, बारबेक्यू चिकन यूज किया है, तो ना वो स्मोकी फ्लेवर आ रहा है, मुझे फील हो रहा है। जो इसमें नींबू भी, नींबू का भी बहुत अच्छा फ्लेवर है। पनीर तो मुझे अच्छा नहीं लगता वैसे, बेकार ही पनीर, चलो पनीर बहुत अच्छा है, पनीर बहुत अच्छा है। अब लग रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि हाँ बता सुरेश, अब ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला इसे खा सकता हूँ, अब लग रहा है मुझे। खा लो, हम तो ऐसे ही घूमने आए थे, चले जाएंगे ऐसे ही। तो हाँ, अब देखो खाना वाना तो ख़त्म हो गया है हमारा, तो अगर यूजुअल रोल के हिसाब से देखो तो बहुत टेस्टी था, और इसका जो प्राइस है 150 रुपीज़, ये बहुत जस्टिफाई भी करता है इसका प्राइस, जो कि मतलब इसके प्राइस के हिसाब से बहुत सारी क्वांटिटी थी, और मुझे तो बहुत मज़ा आ गया। मैं अकेला भी खा सकता था, पर वो जो हरामी खड़ी है ना पीछे, उसने फिनिश कर दिया पूरा, मतलब मैं अकेला भी खा जाता, तो बहुत मज़ा आया मुझे ये रोल खा के। 150 रुपये में बहुत ज़्यादा वर्थ है ये रोल। तो हाँ, वीडियो मैंने वहाँ पे इसीलिए कंटिन्यू नहीं करी क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा था बैकग्राउंड का, और मैं अपना माइक ले जाना भूल गया था उस दिन, तो मैंने सोचा वीडियो को यहाँ पे एंड कर देते। तो हाँ, तुम लोगों को अगर स्पेसिफिकली ऐसी वीडियो देखनी है जहाँ पे मैं बस जाऊँ मतलब फूड ब्लॉग करने या फूड यूनिक प्लेसेस पे फूड रिव्यू करने, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, में ऐसी वीडियोज़ लाने का ट्राई करूँगा बहुत ज़्यादा। तो हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, पीस।